चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर या फिर शेल। हाँ जी, क्या होता है कंडक्टिंग स्फीयर के केस में? बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जितना भी चार्ज हम उस स्फीयर को देते हैं, वो सारा चार्ज स्फीयर के सरफेस पे चला जाता है, उसके अंदर चार्ज नहीं रहता। उसका कारण है क्योंकि कंडक्टर है, और कंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में रिपेल होने शुरू हो जाते हैं, और रिपेल होके मैक्सिमम वो सरफेस तक चले जाते हैं अगर आप नेगेटिव चार्ज दोगे। ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज दोगे तो वो भी जो चार्ज है वो सारा सरफेस पर रिजाइड करता है। तो बेसिकली जो कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर हम उसका डायग्राम बनाए, उसको हमने क्यू चार्ज दे दिया, ऐसे क्यू चार्ज हमने उसको दे दिया, वो सारा का सारा क्यू चार्ज उस स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल है। आज हम बात करेंगे कि अगर हम इस तरह के स्फीयर को, इस तरह के कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हम कोई दो कंडक्टर्स, एक के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरा के ऊपर चार्ज Q2 है, इनको आपस में ज्वाइन कर दें तो फिर फाइनल चार्ज कितना आता है इन पे। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये चीज स्टडी करी हुई है। अगर तो कंडक्टर आइडेंटिकल साइज के हैं, हमने ये चीज स्टडी करी हुई है, आइडेंटिकल साइज के अगर कंडक्टर्स हैं हमारे पास, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, रेडियस R है, तो उस केस में बच्चों जो नेट चार्ज होता है आफ्टर कनेक्टिंग दीज टू स्फीयर्स, वो जो नेट चार्ज होता है वो होता है Q1 + Q2 / 2, क्योंकि उस केस में जो चार्ज होता है ना बच्चों, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि जो स्फीयर्स हैं वो स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं। लेकिन आज के इस प्रॉब्लम में हम सीखेंगे, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास अनआइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है, तो फाइनल चार्जेस और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड्स और पोटेंशियल क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी कि कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स पर कितना होता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि जब हम उसको चार्ज देते हैं इस तरह से, वो चार्ज पूरे सफियर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके सरफेस पर, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट जो होता है यूनिफॉर्मली होगा। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दैट विल बी ए कॉन्स्टेंट। हमने सीखा हुआ है कि सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। सफियर के केस में जो चार्ज है वो क्यू है, और जो एरिया है बच्चे उसका, सफियर का सरफेस एरिया उसकी बात हो रही है, तो अगर यहां पर इसकी रेडियस आर है तो ये हो जाएगा 4 π r²। तो ये जो सिग्मा है बच्चे, इट इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर ऑन द सर्फेस कंडक्टिंग सफियर के केस में। ओके, तो हमारे पास दो तीन रिलेशंस यहां पर, अगर आपके पास क्यू है तो आप सिग्मा के टर्म्स में जा सकते हैं, यहां पर ये चीज आप यूज कर सकते हैं, ये एक रिलेशन आ गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि इसका पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स पर कितना होगा। तो बच्चों, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारे पास आउटसाइड द सफियर है, जैसे कि ये फर्स्ट केस मैंने ले लिया, जो पी पॉइंट है वो सफियर के बाहर है। ठीक है बच्चों, और लेट अस सपोज इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आर है। अब आपको ये चीज ऑलरेडी पता है, गॉस लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, वो होती है KQ / r² r कैप। मींस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, इट इज लाइक, इसका जो बिहेवियर है वो किसके जैसा है, इट इज लाइक ए पॉइंट चार्ज, है ना, क्योंकि पॉइंट चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम एक्सप्रेशन है। देखो, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है ना, उसको नहीं पता कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, वो उसको देख नहीं सकता, लेकिन ये जो पॉइंट है ये उसके इफेक्ट को फील कर सकता है। अगर हम इस पॉइंट पर एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट रखेंगे, टेस्ट चार्ज, उस पर जो फोर्स लगेगी वो क्यू नॉट इंटू दिस एक्सप्रेशन, इसके बराबर लगेगी। अब बच्चों, चाहे वहां पर सेंटर पे हम एक पॉइंट चार्ज रख दें क्यू, तब भी फोर्स सेम लगनी है। चाहे हम सेंटर पे पॉइंट चार्ज ना रख के एक सफेरिकल कंडक्टर ले लें, उसका डिस्टेंस सेंटर से हम पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर ले लें, तब भी सेम फोर्स लगनी है। मतलब जो बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पॉइंट चार्ज जैसा है आउटसाइड द स्फीयर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर पॉइंट चार्ज के जैसा है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल का बिहेवियर होगा वो भी कैसा होगा, पॉइंट चार्ज जैसा। तो जस्ट ये एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट देकर हम यहां पर बता सकते हैं कि भाई पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी का मतलब आउटसाइड, इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज एट ओ। अगर हम यहां पर एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लें, बिल्कुल उसके जैसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल वैसी है
और ये आंसर आएगा के क्यू बाय आर। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है कि आउटसाइड द स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर द पोटेंशियल इज गिवन बाय के क्यू बाय स्मॉल आर। वेरी वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट केस इज एट द सरफेस। अगर हम सरफेस पर बताएं कि कितना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली सरफेस पर हम स्मॉल आर को कैपिटल आर जो कि रेडियस है इस स्फीयर की उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस। ठीक है बच्चों, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। इनसाइड क्या होता है, तो इनसाइड के केस में आपको ये पता है कि अगर हम स्फीयर के अंदर चले जाएं, इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, तो इस किसी भी पॉइंट पर, यहां पर अगर हमने पॉइंट्स लिए हुए हैं इनसाइड, हर किसी पॉइंट पर जो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है यहां पर, मैं इसको रब कर दूं, अच्छे से बनाते हैं यहां पे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो होती है ना। तो इनसाइड हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो क्योंकि सारा चार्ज तो सरफेस पर है। अगर हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जैसे हमने ये डेरिवेशन करी हुई है, तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये रिलेशन हमें क्या बोलती है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीआर। ये रिलेशन है ना हमारे पास, यहां से हो गया कि भाई डीवी जीरो है, मींस चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। अगर किसी चीज की डिफरेंशिएशन जीरो आ जाए तो वो चीज क्या होती है, कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब इसके अंदर जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो जीरो नहीं होगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। और वो कॉन्स्टेंट किसके बराबर होगा, वो कॉन्स्टेंट बराबर होगा पोटेंशियल एट सरफेस के बराबर। बिल्कुल सिंपल। तो दैट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। तो ये हमारे पास तीन रिजल्ट्स आए हैं पोटेंशियल के, जिनको हमें अच्छे से अभी यहां पर लिखना है। और ये तीनों रिजल्ट्स कंडक्टिंग स्फीयर या शेल दोनों के लिए सेम होंगे। क्यों, क्योंकि शेल का भी मतलब यही है कि सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे ही है, जो ऊपर हमारा सरफेस है शेल का, क्योंकि अंदर से तो शेल खोखली होती है, उसके अंदर हवा होती है। और कंडक्टिंग स्फीयर का भी बच्चे यही मतलब है कि सारा चार्ज सरफेस पर है। तो दोनों ही केस में हमारे पास जो रिजल्ट्स रहेंगे वो ये रहेंगे। आउटसाइड अगर आपने बोलना है पोटेंशियल तो के क्यू बाय स्मॉल आर, अगर आपने सरफेस पे बताना है तो पोटेंशियल बच्चे के क्यू बाय कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज अ रेडियस। और अगर आपने इनसाइड बताना है तो वो भी सेम, क्योंकि इनसाइड पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अब अगर हम इसका ग्राफ बना ले, पोटेंशियल का ग्राफ बना ले बच्चों डिस्टेंस के साथ, ये v है, ये हमारे पास इधर r चल रहा है। तो जब तक हम कैपिटल r तक पहुंचेंगे, लेट अस सपोज ये हमारे पास सेंटर है और ये वैल्यू है कैपिटल r, तो जब तक आप कैपिटल r तक पहुंचोगे पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसे ऊपर बनेगा कांस्टेंट। और फिर इसके बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। दिस इज स्मॉल r ना, स्मॉल r इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये डिस्टेंस तो वेरी करता रहेगा। आपके पास स्फीयर आ गया, आप दूर चलते जा रहे हो स्फीयर के, जितना दूर आप यहां पर चलते चले जाएंगे उतना ये स्मॉल r जो है बड़ा होता जाएगा और पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर और शेल। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन जेई मेंस और नीट में पूछ लेते हैं, दो ग्राफ हमारे पास आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें बताना होता है कि सही वाला ग्राफ कौन सा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बच्चों इसी शेल के केस में या कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, तो आपको भी जैसे पता है कि स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर होगी तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और उसके बाद अचानक से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जंप कर जाएगी सरफेस वाली वैल्यू, और ये वैल्यू है हमारे पास के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर इज द रेडियस, और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बनता है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल का ग्राफ अगर यहीं पर बनाना हो तो पोटेंशियल का ग्राफ इस तरह से बनेगा कुछ, यहाँ पे कॉन्स्टेंट, और उसके बाद जो इसकी वेरिएशन है बच्चे वो इससे थोड़ी सी स्लो होती है, तो इससे थोड़ी सी हमारे पास स्लो वेरिएशन रहेगी ऐसे करके, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर जो पोटेंशियल की वेरिएशन है वो 1/r है। तो इस तरह से दोनों ग्राफ हमारे पास आते हैं, ये अंदर जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन पोटेंशियल अंदर जो होता है बच्चों वो कॉन्स्टेंट होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं इन पोटेंशियल्स के एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हैं। वी इनसाइड
क्यू बाय कैपिटल आर, वी सरफेस वो भी सेम है। अब इसको अगर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना है तो के ऐसे रहेगा, क्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर, ये भी हमने रिलेशन लिखी थी, और यहां पर हमारे पास कैपिटल आर रहेगा। के को हम पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर बाय आर, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड द रिजल्ट विल बी सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द पोटेंशियल विच इज कॉन्स्टेंट विच डज नॉट डिपेंड अपॉन स्मॉल आर इन साइड एंड एट द सर्फेस। तो ये भी आपके काम आएगा, ये सरफेस पर है और ये इन साइड है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस भी आपको एक्सप्रेस करने आने चाहिए। अब अगर सेम एक्सप्रेशन हम आउटसाइड के लिए भी अगर हम इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला है के क्यू बाय स्मॉल आर, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर बिकॉज चार्ज इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाय, अगेन यहां पर हमें यहां पर स्मॉल आर ही चाहिए क्योंकि अब हम आउटसाइड देख रहे हैं, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आएगा सिग्मा आर स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। तो बच्चे जो भी आपको पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर सिग्मा की टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है तो आंसर भी सिग्मा की टर्म्स में देना होगा, अगर क्यू की टर्म्स में गिवन है तो आंसर भी आपको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू ही देना होगा। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव डन। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके बेस पे एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशन पोटेंशियल के आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक प्रॉब्लम करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम। ये हमारे पास एक छोटा स्फीयर है, इसकी रेडियस स्मॉल ए है बच्चे, ठीक है, और हमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया, ओके। अभी हमें अलग अलग पॉइंट्स पर, ये है पी वन पॉइंट, सरफेस पर है पी टू और इनसाइड है पी थ्री, इन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल लिखना है। तो पी वन पॉइंट इज आउटसाइड, तो देयरफॉर पोटेंशियल इज के क्यू बाय, ये डिस्टेंस चाहिए फिर उसमें स्मॉल आर। पी टू पॉइंट इज एट सरफेस, पोटेंशियल इज के क्यू बाय कैपिटल आर, एंड पी थ्री पॉइंट इज ऑल्सो एट सरफेस, देयरफॉर पोटेंशियल इज सरफेस नहीं इन साइड, बट द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही उसके अंदर होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसलिए ये मैंने एग्जाम्पल छोटी सी ली है यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम दो स्फेरिकल शेल्स लेने वाले हैं, एक मैंने ब्लू शेल ले ली और एक मैंने ये पिंक कलर की शेल ले ली, ठीक है बच्चों। चलिए अब मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो हम पहले फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। अंदर वाली शेल पर लेट अस सपोज चार्ज है हमारे पास क्यू वन और बाहर वाली शेल पर हमारे पास चार्ज है क्यू टू। इन दोनों की रेडियस हमें गिवन है, लेट अस सपोज इनसाइड वाली की रेडियस है आर वन और आउटसाइड वाले की रेडियस है आर टू, ठीक है जी। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी वन जो आउटसाइड है, ठीक है। अब बच्चों ये जो पॉइंट पी आउटसाइड है तो इस केस में हमेशा पॉइंट का डिस्टेंस देगा एग्जामिनर, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड है तो बताना पड़ेगा कि वो पॉइंट कहां पर है, कितनी दूरी पर है। तो लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल एक्स, ठीक है। चलिए तो अभी हमें P1 पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि जो P1 पॉइंट है वो कहां पर है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि P1 इज आउटसाइड शेल वन एंड टू, ठीक है, बोथ द शेल्स दोनों के बाहर है P1 पॉइंट, ठीक है। तो दोनों पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आउटसाइड वाला लगेगा और वो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, फर्स्ट शेल का पोटेंशियल के क्यू वन बाय, ये यहां पर डिस्टेंस आउटसाइड है ना पॉइंट, तो डिस्टेंस पूरा लेना है, पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से पूरा लेना होता है एक्स, ठीक है। और सिमिलरली दूसरे का आपने लिखना है तो के क्यू टू, ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय एक्स, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो आउटसाइड था। अब सेम प्रॉब्लम में हम ये मान लेते हैं कि अभी हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट दिस पी टू, ठीक है बच्चे, पी टू पॉइंट। पी टू पॉइंट अभी कहां है, पहले इसको एनालाइज करेंगे। पी टू पॉइंट इज आउटसाइड द शेल शेल वन, इसको मैंने वन माना हुआ है, ठीक है, ये टू है। तो देखिए पी टू पॉइंट शेल वन के बाहर है,
एंड इट इज इनसाइड द शेल, कौन सी शेल? टू, है ना। तो अभी शेल टू के लिए भी लिखना है और उसके लिए भी, तो हम यहां लिख रहे हैं पी टू पे जो पोटेंशियल है दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू शेल वन। तो शेल वन के लिए हमें डिस्टेंस लेटर सपोज वाई दिया गया है, तो यहां पर आ जाएगा के क्यू वन बाय वाई, क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है ये आउटसाइड वाला लगाया है ना, पॉइंट बाहर है शेल के, सिर्फ उसको देखना है और देखना है उसके विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट कहाँ है। अंदर वाली शेल के विद रिस्पेक्ट टू पी टू पॉइंट उसके बाहर है जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसका डिस्टेंस वाई है। तो आउटसाइड वाले फॉर्मूले में पूरा डिस्टेंस आता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का सेंटर से कंप्लीट डिस्टेंस आता है, लेकिन दूसरे वाले केस में यही वाला जो पॉइंट है ये उसके अंदर है, तो यहां पर सरफेस वाला पोटेंशियल आएगा, और सरफेस वाला पोटेंशियल कितना है वो ये है। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है दैट इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर इन साइड द शेल, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास आ गया के क्यू टू बाय आर, तो ये टोटल पोटेंशियल होगा पी टू पॉइंट पर, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर हम यहां चले जाए, लेटर सपोज ये ब्लैक कलर में देखेंगे, दिस इज पॉइंट पी थ्री, और इसका भी डिस्टेंस लेटर सपोज अभी जेड दिया गया है, ये ओ पॉइंट और ये डिस्टेंस जेड। लेकिन अभी ये जो पी थ्री पॉइंट है, दिस पॉइंट पी थ्री, दिस इज इन साइड बोथ द शेल्स, है ना, दोनों के ही अंदर है। तो इस केस में जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा पी थ्री पॉइंट पर, क्योंकि वो दोनों के अंदर है तो सरफेस वाला आएगा। अब पहले शेल के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, के क्यू वन बाय आर वन, है ना, उसकी रेडियस। और सेकेंड शेल के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, के क्यू टू बाय आर टू, मीन्स उस पूरे की रेडियस, है ना। तो अगर पॉइंट दोनों ही शेल्स के अंदर है तो दोनों का सरफेस वाला फॉर्मूला, अगर पॉइंट दोनों ही शेल्स के बाहर है तो दोनों का बाहर वाला फॉर्मूला, और अगर पॉइंट एक शेल के बाहर है दूसरे के अंदर है जैसे कि पी टू वाला केस, ये वाला केस, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में हमें बड़ी शेल का कॉन्स्टेंट वाला फॉर्मूला सरफेस वाला, और जो अंदर वाली शेल है उसका आउटसाइड वाला फॉर्मूला। तो इस तरह से हमें अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें फिर से दो शेल्स ले लेते हैं, एक ये शेल है, तो ये दो शेल्स हैं अभी हमारे पास, ठीक है बच्चों। और यहां पर एक और चार्ज बढ़ा हुआ है, अभी इस केस में सेंटर पर भी चार्ज गिवन है दैट इज स्मॉल क्यू, और इस शेल को हमने चार्ज दिया है प्लस क्यू, अलग से दिया है, और इस शेल को भी हमने चार्ज दिया है माइनस टू क्यू, तो ये चार्जेस हमने दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो इस केस में ना आपने जस्ट डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यहां पर इंडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, बिकॉज दे आर सरफेसेस, सिंपल शेल्स हैं वो, हमने उनको चार्ज दिए हैं बाहर से। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर पोटेंशियल फाइंड करना है इस अरेंजमेंट का, एट दिस पॉइंट पी वन एंड एट दिस पॉइंट पी टू। बहुत सिंपल है, P1 का डिस्टेंस x ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस y ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब P1 पॉइंट जो है बच्चे, वो वहां पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट चार्ज Q का भी होगा, वो एक शेल इनर शेल का भी होगा, शेल 1 का भी होगा, और वो शेल 2 का भी होगा, सब ऐड होंगे हमारे पास, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, सारे ऐड होते हैं, ठीक है। ओके, अब पहले हम स्मॉल क्यू का लिख ले, स्मॉल क्यू का पोटेंशियल x डिस्टेंस है, पॉइंट चार्ज है के क्यू बाय एक्स, एक इसका ये हो गया। अब हम इस शेल की बात कर ले, इस शेल के लिए भी पॉइंट तो बाहर ही है, तो हमारे पास आ जाएगा जी फिर से के क्यू बाय एक्स एक और आ जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी इस पॉइंट पर सेम ही है, ठीक है बच्चे, पॉइंट आउटसाइड है। और लास्ट हमारे केस में लास्ट हमारे पास है आउटसाइड वाली शेल, उसका पोटेंशियल आ जाएगा के माइनस टू क्यू। माइनस टू क्यू क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ही माइनस टू क्यू है, और उसका डिस्टेंस भी जो है हम सेंटर से ही ले गए, क्योंकि फिर भी हमारे पास अभी भी जो पॉइंट है वो आउटसाइड ही है। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जीरो, तो जीरो पोटेंशियल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब यहां पर अगर बात करें पी टू पॉइंट पर, वी पी टू, हाँ जी पी टू पॉइंट पर फिर से देखें, अब ये वाला पॉइंट इसके लिए और इसके लिए आउटसाइड है, तो एक हम पहले लिखेंगे पॉइंट चार्ज का इसका, तो पॉइंट चार्ज का सिंपली के क्यू बाय वाई, वाई क्यों, क्योंकि अभी डिस्टेंस ही पॉइंट का वाई है, प्लस इसके लिए भी जो पॉइंट है आउटसाइड है और उसका डिस्टेंस वाई है, तो के क्यू बाय वाई प्लस के इंटू लास्ट केस में हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा, ये वाला पॉइंट इस बड़ी वाली शेल के अंदर है, तो वहां हमारे पास सरफेस वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने रेडियस नहीं बताई यहां पर, बता देता हूं, इसकी रेडियस R2
इसकी रेडियस आर वन, ठीक है, तो वहां लगेगा के इंटू माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाय, हाँ जी, ये पॉइंट बड़े वाले सफियर के अंदर है, तो जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा। सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर वाला फॉर्मूला लगना है, वो मैं लगा रहा हूं। हाँ जी, तो सरफेस पर के क्यू बाय कैपिटल आर वाला फॉर्मूला लगना है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा जी डिस्टेंस आर टू, तो जस्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख ले, टू के क्यू बाय वाई माइनस टू के क्यू अपॉन आर टू, तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी टू। चलो, तो ये हमारे पास एक शेल है, अभी थिक शेल, ये सारा मेटल है, अभी ये सारा मेटल है। इस थिक शेल की जो इनर रेडियस है वो आर वन है और जो इसकी आउटर रेडियस है वो आर टू है, ठीक है बच्चों। अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें क्या बोल रहा है, हमने सेंटर पर एक चार्ज क्यू रखा है, सिंपली सेंटर पर एक चार्ज क्यू रखा है और हमें अभी पोटेंशियल फाइंड करना है एट दिस पॉइंट पी, ठीक है। अब क्योंकि ये मेटल है, मेटल सफियर, और सेंटर पर हमने एक चार्ज रखा है, लास्ट वाले केस में मेटल सफियर नहीं था, हमारे पास थिन शेल थी, मतलब एक लेयर थी चार्ज की, उस लेयर के कारण कहीं पर इंडक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन अगर मेटल के केस में सेंटर पर आप क्यू चार्ज रखोगे तो सबसे पहले क्या होना है, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा सेंटर पर, तो उसके कारण ये जो इनर सरफेस है वहां पर माइनस क्यू चार्ज जो है वो इंड्यूस होना ही होना है, तो माइनस क्यू चार्ज हमारे पास यहां पर आ गया, और इसके आउटर सरफेस पर उतना ही कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो उसके आउटर सरफेस पर चला जा रहा है। जैसे ही आपने उस स्मॉल क्यू को रखना है तो ये काम तो होना ही होना है। तो अब हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है वो किसमें रिड्यूस हो गई, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, एक यहां पर सफियर बन गया जिस पर माइनस क्यू चार्ज है, और एक बाहर बन गया जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो अब ये प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। बाकी आसान ही है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, तो आपका काम है आपने इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल बताना है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल क्यू से स्मॉल आर गिवन है, ये वाली रेडियस जैसे मैंने बताया आर वन है और ये वाली रेडियस आर टू है, तो बहुत सिंपल है। इस पी पॉइंट पर इसका फॉर्मूला लगेगा पॉइंट चार्ज वाला, क्योंकि वो तो है ही पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू एट सेंटर वाला प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इनर सरफेस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सरफेस। ये चीज ना हम कैपेसिटर में भी जाके यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट के क्यू बाय स्मॉल आर प्लस के माइनस क्यू, इनर के ऊपर चार्ज माइनस क्यू और रेडियस आर वन प्लस के कैपिटल क्यू रेडियस आर टू, तो पोटेंशियल जो है देखिए वो ये बन गया। तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल है ना बच्चों वो चेंज हो जाता है, अगर हम एक सफियर एक पॉइंट चार्ज को किसी कंडक्टर के पास ले जाएं ऐसे, तो ओवरऑल सिस्टम का पोटेंशियल किसी पॉइंट पर चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि आपने कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर के कारण यहां पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, यहां पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो जब भी इंडक्शन होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा, होगा ही चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है, पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है बच्चों, कि जब भी हम किसी मेटेलिक कंडक्टर के सेंटर पर स्मॉल क्यू रखेंगे उसकी वजह से सारे पोटेंशियल की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जानी है, पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल थी। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास थ्री शेल्स हैं, तीनों शेल्स के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं वो है प्लस सिग्मा इसके ऊपर, इसके ऊपर माइनस सिग्मा, और ये बाहर वाली जो है उसके ऊपर भी प्लस सिग्मा, और इसके साथ साथ इनके नाम दिए गए हैं ए शेल बी शेल सी शेल, और इनकी रेडियस भी दी गई है सेंटर से, तो एक की रेडियस ए है, नेक्स्ट वाले की स्मॉल बी है, और जो सबसे बड़ी है उसकी रेडियस स्मॉल सी है। हमें क्या करना है, उसने कंडीशन दी है, उसने बोला है कि ए और सी पर जो पोटेंशियल है वो सेम है, मीन्स वी ए इज इक्वल टू वी सी बोल रहा है वो, ये गिवन है। अगर ये कंडीशन है तो हमें रिलेशन फाइंड करनी है इन रेडियाई में, कि ये जो रेडियस होंगी ये किसके बराबर होंगी, कितनी होंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एट ए। हाँ जी, तो ए शेल का जो पोटेंशियल है, अगर सिंगल शेल का लिखे हम,
तो वो सिंगल शेल का पोटेंशियल है हमारे पास के क्यू बाय ए, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसको इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखेंगे तो क्यू इज 4 पाई ए स्क्वेयर, ये सरफेस एरिया हो गया इसका क्योंकि इसकी रेडियस ए है, इनटू सिग्मा। इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ही हमें लिखना है इसका आंसर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो के इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, ये ए के से कट गया, ए बचा, इंटू सिग्मा, तो 4 पाई से 4 पाई कटा, तो ये फॉर्मूला है सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस का ये फॉर्मूला आप वैसे भी याद रखेंगे, सरफेस पर फॉर्मूला होता है सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आसानी से लग जाता है। तो ए पर जो टोटल पोटेंशियल है वो होगा ए का पोटेंशियल प्लस बी का पोटेंशियल प्लस सी का पोटेंशियल, ए का सरफेस वाला, बी का पोटेंशियल हमारे पास इनसाइड वाला मेन सरफेस वाला ही लगेगा, अंदर भी सरफेस के बराबर ही होता है, और सी का भी हमारे पास फॉर्मूला सरफेस वाला ही लगेगा। तो बहुत सिंपल है, ए का पोटेंशियल आ गया जी सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, बी का आ गया माइनस सिग्मा, है ना, बी पे चार्ज नेगेटिव है इस चीज का ध्यान रखेंगे, माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट वाले का आ गया सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हमने तीनों का नेट पोटेंशियल लिख लिया एट दिस पॉइंट, यहां पर पॉइंट लिया हमने ए पर, तो दिस इज वी ए। अब हमें फाइंड करना है वी सी, वी सी पर जो टोटल पोटेंशियल है, वी सी पर जो टोटल पोटेंशियल है बच्चे वो भी तीनों का सम होगा, टोटल पोटेंशियल मतलब ए का भी प्लस बी का प्लस सी का। लेकिन जो अभी ए है, ए के तो ये पॉइंट आउटसाइड है ना, अब कितनी दूरी पर है, हम यहां पर तीनों का पोटेंशियल लिख रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इसके लिए भी डिस्टेंस सी चाहिए और उसके लिए भी, तो हमारे पास आउटसाइड वाले फॉर्मूले लगेंगे। आउटसाइड वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है पोटेंशियल का सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वेयर अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू स्मॉल आर, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था, ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले को अभी मैं अप्लाई करूंगा। तो ए का पोटेंशियल अगर हमें यहां पर बताना है तो पॉजिटिव सिग्मा कैपिटल आर मतलब उस शेल की रेडियस, उस शेल की रेडियस है ए स्क्वेयर अपॉन एप्साइलन आर, और ये जो स्मॉल आर है ये डिस्टेंस है पॉइंट का, तो पॉइंट का डिस्टेंस शेल सेंटर से लेना है पूरा, वो है स्मॉल सी। तो होपफुली आपको ये चीज पता चली है कि ए का पोटेंशियल इसके बराबर है, ठीक है, ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। सिमिलरली बी के लिए, अब बी के लिए भी हमारे पास आउटसाइड वाला फॉर्मूला ही लगेगा क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ है और बी शेल रेड वाली है, तो माइनस सिग्मा उसके बाद बी की रेडियस का स्क्वेयर मीन स्मॉल बी स्क्वेयर एप्साइलन नॉट, लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस आएगा वो पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो स्मॉल सी ही रहेगा। सिमिलरली सी का पोटेंशियल, सी का तो हमारे पास सरफेस वाला ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये सरफेस पे है, तो सी का सरफेस वाला फॉर्मूला लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो वो फॉर्मूला हमें पता है, वो है सिग्मा सी बाय एप्साइलन नॉट। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी वाली रिलेशन भी लिख ली। अब जस्ट हमने इन दोनों को इक्वेट करना है, एक इक्वेशन 1 है एक इक्वेशन 2 है, इनको जस्ट इक्वेट करके वी हैव टू फाइंड द रिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये कंडीशन लगा देनी है कि ए का पोटेंशियल सी के पोटेंशियल के अगर बराबर है तो क्या होगा। तो हमने यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया और यहाँ आएगा ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड पर भी हमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, और हमारे पास आएगा जी इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय सी, और एक यहाँ पर भी हमारे पास सी है जो बचेगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस सी है और ये प्लस सी भी कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइड बाय सी, यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, सी इधर चला जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। मीन्स अगर जो रेडियस है इन शेल्स की इसके बराबर होगी, मीन्स ए को बी में ऐड करेंगे और सी आ जाए हमारे पास, तो उस केस में ए और सी का पोटेंशियल इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इट इज इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है, जस्ट आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं दोबारा से वो दोनों रिलेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिए कि अगर हमें इनसाइड द शेल पोटेंशियल लिखना है तो वो सरफेस वाले के भी बराबर होगा, और सरफेस वाला और इनसाइड वाला पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो वहां आता है सिग्मा इनटू रेडियस ऑफ शेल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हमें आउटसाइड द शेल पोटेंशियल लिखना है तो वो कांस्टेंट नहीं होता, वो स्मॉल आर पे डिपेंड करता है, तो वो आएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर।
तो ये दो फॉर्मूले अगर बच्चों आप लोगों को आते हैं तो ये शेल वाले क्वेश्चन करना डिफिकल्ट नहीं है, इनको सॉल्व किया जा सकता है और कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आप लगा लें तो ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल चैप्टर, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट बॉडीज हैं, एक थोड़ा छोटा स्फेरिकल बॉडी है और एक थोड़ी बड़ी है, दोनों को हमने एक चार्ज दिया, एक को क्यू वन चार्ज दिया, दूसरे को क्यू टू चार्ज दिया, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें तो कनेक्ट होने के बाद क्या होगा और क्यों होगा, इस चीज को हम समझने वाले हैं। और इसके जैसी एक प्रॉब्लम हमने फर्स्ट चैप्टर में करी हुई है, इन द वेरी फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि जब हम दो बॉडीज को जो पहले से चार्ज है या एक चार्ज है दूसरी अनचार्ज्ड है, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो चार्ज होता है बच्चे वो ट्रांसफर होता है। फाइनल चार्ज हमने जस्ट एक रिलेशन करी थी, एक फॉर्मूला किया था, दैट वाज ए शॉर्टकट मेथड। जो फाइनल चार्ज होता है दोनों बॉडीज पे आइडेंटिकल के केस में, वो होता है फर्स्ट बॉडी का चार्ज प्लस सेकेंड बॉडी का चार्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, मतलब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज, ये रिलेशन हमारे पास आती है इन केस ऑफ आइडेंटिकल बॉडीज। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जो छोटा सा डेरिवेशन करने वाले हैं, उसमें से ये फॉर्मूला भी निकल के आएगा। कॉन्सेप्ट आज होने वाला है लेकिन उस टाइम पर ये शॉर्टकट था। चलिए इस पे बात करते हैं क्या होता है। हाँ जी, देखिए चार्जेस क्यों ट्रांसफर करते हैं, चार्जेस ट्रांसफर क्यों करते हैं, व्हाई चार्जेस ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर करते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपके सामने यहाँ पर दो बॉडीज हैं, एक थोड़ी छोटी बॉडी है, एक थोड़ी बड़ी बॉडी है। अगर मैं फर्स्ट बॉडी का पोटेंशियल लिखूं बिफोर कनेक्टिंग, तो वो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, V1 दैट इज के क्यू वन बाय आर वन, है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ फर्स्ट बॉडी। और अगर सेकेंड बॉडी के लिए हम पोटेंशियल लिखें तो दैट इज V2 इज इक्वल टू के U2 by R2, है ना, तो these are the two relations for potential। अब जब आपने इनको कनेक्ट कर दिया तो क्या है, potential difference है, है ना, ये दोनों potential बराबर तो है नहीं है, Q1 कुछ different है, R1 कुछ different है, हो सकता है बराबर हो numerically, अगर बराबर होंगे तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तभी ट्रांसफर होता है when there is potential difference। बैटरी भी यही काम करती है, सर्किट में potential difference अप्लाई करती है। तो जब आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस ट्रांसफर होना शुरू करेंगे, और तब तक चार्जेस ट्रांसफर होते रहेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, जब तक इनका पोटेंशियल जो है वो बराबर नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। कहां से चार्ज किधर ट्रांसफर करेंगे, ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव से भागेगा और छोटे वाले पोटेंशियल की तरफ वो ट्रांसफर होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज जो पॉजिटिव चार्ज है इट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और करंट भी अगर हम बोले तो करंट भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस जो है वो ट्रांसफर होंगे, और कब तक होंगे, जब तक ये पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। तो आफ्टर देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल तो उनपे जो नई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। हमने इनको कनेक्ट कर दिया, अब यहां पर लेट अस सपोज इस केस में भी पोटेंशियल वी होगा और इस केस में भी पोटेंशियल वी होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम है, लेकिन बिफोर कनेक्शन इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था, दैट वाज बिफोर कनेक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम वो कंडीशन लगा देते हैं और देखते हैं कि चार्जेस की रेशियो किस तरह से आने वाली है। तो अगर हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं बच्चों, देन देयर पोटेंशियल विल बी इक्वल। तो यहां अभी कनेक्ट कर चुके हैं हम, तो मैं अभी आफ्टर कनेक्शन लिख रहा हूं, आफ्टर कनेक्शन, हाँ जी, आफ्टर कनेक्शन V1 इज इक्वल टू V2। आफ्टर कनेक्शन चार्जेस क्या है हमारे पास, स्मॉल Q1 एंड स्मॉल Q2, तो हम रिलेशन यही लिखेंगे, के Q1 बाय R1 इज इक्वल टू के Q2 बाय R2, ठीक है बच्चों, ये दोनों बराबर है, V1 V2 अगर हम ले ले तो इक्वल होने चाहिए। तो दिस इज द इक्वेशन, अब K से K कैंसिल हो गया, और अगर हम चार्जेस की रेशियो लिखें Q1 by Q2 that is equal to R1 by R2, means जो चार्ज है that is directly proportional to the radius of conductor। यहां से कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वेरी वेरी सिंपल। जितना बड़ा स्फीयर होगा उतना ज्यादा चार्ज आ जाएगा उस पर, जितना छोटा स्फीयर होगा उतना कम चार्ज रहेगा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। Now you want to calculate the final charges Q1, Q2.
इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू वन एंड क्यू टू। तो यहां पर अभी हम कर रहे हैं टू फाइंड क्यू वन कॉमा क्यू टू, ये फाइनल चार्जेस हैं, रिलेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू वन कैपिटल क्यू टू। कैपिटल क्यू वन कैपिटल क्यू टू क्या है, इनिशियल चार्जेस, स्मॉल वाले हैं फाइनल चार्जेस। तो ये रिलेशन बनाना अभी हमें, तो बाय चार्ज कंजर्वेशन, यहां पर एक कंडीशन लग जाएगी, चार्ज तो कंजर्व ही है ना बच्चों, ये कंडीशन हमेशा हमारी हेल्प करती है, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट लगती है। बाय चार्ज कंजर्वेशन क्यू वन प्लस क्यू टू जो फाइनल चार्जेस का सम है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल क्यू वन प्लस कैपिटल क्यू टू। यहां से अगर हम क्यू टू को सॉल्व कर लें तो क्यू टू आ जाएगा जी क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू वन, ठीक है जी, स्मॉल वाला। अब ये हम इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन वन विल बिकम क्यू वन अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू वन इज इक्वल टू आर वन बाय आर टू। तो दिस इज द रिलेशन। अब इस रिलेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम फाइंड कर लेंगे व्हाट इज क्यू वन, आर टू बाई आर वन प्लस वन आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाय क्यू वन, और जस्ट जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू वन, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, दिस इज आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाय आर वन। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम तो क्यू वन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट शीट में लिख लेते हैं उसको। Q1 वन इज फाइनल चार्ज, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो Q1 वन इज कैपिटल Q1 वन प्लस क्यू टू इन टू, लेट मी चेक, रेसिप्रोकल करके यही आ रहा है इन टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, यहां आर वन आएगा। तो दिस इज द रिलेशन फॉर Q1 चार्ज, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर आपने Q2 चार्ज लिखना है तो वो भी बन जाएगा Q1 वन प्लस क्यू टू अपॉन इन टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो ये दो रिलेशन जो हैं ये आपके काम आएंगी जब आपने फाइनल चार्जेस निकालने हैं नॉन आइडेंटिकल बॉडीज के लिए। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लर्न किया जा सकता है, बहुत आसान है। Q1 इज टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इन टू आर वन अपॉन दोनों की रेडियस का सम। सिमिलरली Q2 इज टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इन टू आर टू अपॉन दोनों की रेडियस का सम। तो दिस इज द रिलेशन। अब यहां पर आप देखिए, अगर हमारे पास R1 वन इज इक्वल टू आर टू हो, जैसे कि आइडेंटिकल बॉडीज के केस में करते थे, तो ये भी आ जाना था क्यू टी बाय टू और ये भी आ जाना था क्यू टी बाय टू। तो उस केस में हाफ हाफ चार्ज हमारे पास आ जाता है। लेकिन अगर उनकी रेडियस में कुछ डिफरेंस है, दोनों की रेडियस सेम नहीं है, तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा और इस फॉर्मूले से हम फाइनल चार्जेस निकाल सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की और सिग्मा की बात करने वाले हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटीज की रेशियो क्या होगी दोनों पर। हाँ जी, देखो बच्चों, सिग्मा वन बाय सिग्मा टू, अगर ये रेशियो फाइंड करना चाहते हैं तो वो किसके बराबर है, वो है चार्ज अपॉन एरिया विच इज फोर बाय आर वन स्क्वायर, दिस इज सिग्मा वन, और सिग्मा टू इज क्यू टू फोर बाय आर टू स्क्वायर। ये रेशियो अगर आपसे पूछी जाए सरफेस चार्ज डेंसिटी की रेशियो, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, फोर पाए से फोर पाए कैंसिल हो गया, ये बन गया जी क्यू वन बाय क्यू टू इन टू आर टू स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर। नाउ व्हाट इज क्यू वन बाय क्यू टू, ये रेशियो हमें अभी पता है कि आर वन बाय आर टू के ही बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, यहां पर इन टू का साइन, आर टू स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर, तो आर टू से एक आर टू कैंसिल हो गया, आर वन से आर वन कैंसिल हो गया, तो ये इनवर्स रेशियो आ गई, ये इनवर्स रेशियो आ गई आर टू बाय आर वन। तो ये भी रेशियो इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हमने जो अभी बोला था लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बॉडी। तो ये सिग्मा की रिलेशन आ गई, रेशियो की रिलेशन।
ठीक है, अभी हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की रेशियो। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई वन बाय ई टू, ये आप निकालना चाहते हैं। उसका फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, सिग्मा वन बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा टू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा वन बाय सिग्मा टू इज आर टू बाय आर वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो रेशियो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो दिस इज द प्रॉब्लम जो अभी हमने सॉल्व करी है कि इन दोनों बॉडीज पर फाइनल चार्जेस कितने होंगे। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले इजी एग्जाम्पल करते हैं हम। लेट अस सपोज एक रेडियस आर है, दूसरी रेडियस टू आर है, इसको चार्ज दिया 4 कूलम, इसको चार्ज दिया 6 कूलम, और अभी हमने निकालने हैं फाइनल चार्जेस। तो जो फर्स्ट बॉडी का चार्ज आएगा वो आएगा टोटल चार्ज विच इज 10 कूलम इंटू इसी की रेडियस आर अपॉन टोटल रेडियस विच इज आर प्लस टू आर 3 आर। तो ये कैंसिल हो गया, इट इज 10 बाय 3 कूलम। जो क्यू टू चार्ज आएगा फिर से वही टोटल चार्ज 10 कूलम इंटू इसकी रेडियस 2 आर डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस, दोनों रेडियस का सम। तो आर से आर कैंसिल होगा और ये बन गया 20 बाय 3 कूलम। अगर आप इन दोनों को वापस ऐड करके देखें यू विल गेट 10 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। तो ये जो अभी हमने रिलेशन फाइंड करी है ये वो उसका रिजल्ट है। ठीक है बच्चों, ओके नाउ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। टू मेटल सफियर्स ए एंड बी, ये भी सेम ऐसा ही है, एक है जी सफियर ए, दूसरा है सफियर बी। एक की रेडियस आर है, अच्छा अच्छा आर है, रुक जाओ आर है तो थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, दिस इज ए। इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस 2 आर है। ठीक है बच्चों, देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 आर। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला दैट इज 6 इंटू आर। दोनों को हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया है एंड बोथ आर एट पोटेंशियल वी वन एंड वी टू। तो इसका पोटेंशियल वी वन है और इसका पोटेंशियल वी टू है। फाइंड द रेशियो वी वन बाई वी टू। तो अभी हमने इनको कनेक्ट नहीं किया, ये जस्ट ऐसे पड़े हुए हैं। तो वी वन इज के क्यू बाय स्मॉल आर, वी टू इज के क्यू बाय 2 आर, है ना, यही होता है ना फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला के इंटू के इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इट इज वेरी सिंपल, अगर हमें ये रेशियो फाइंड करनी है वी वन बाई वी टू तो ये रेशियो आ जाएगी जी 2 बाय 1। दिस इज द आंसर टू फर्स्ट पार्ट। तो रेशियो हमने निकाल ली। नाउ दीज स्फीयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग वायर। अभी हमने इनको एक वायर से आपस में कनेक्ट कर दिया, कीपिंग द सेपरेशन अनचेंज, और सेपरेशन जो है वो वैसे की वैसे ही रखी है। वट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द वायर, हमें ये बताना है कि इस वायर में से कितना चार्ज फ्लो किया। तो उसके लिए पहले हमें फाइनल चार्जेस निकालने पड़ेंगे। तो फाइनल चार्जेस कैसे निकालेंगे, क्यू वन, वेरी वेरी सिंपल, अभी हमने किया इसको, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम 2q इन टू रेडियस जिसका आप लिख रहे हो चार्ज अपॉन टोटल रेडियस विच इज 3 आर। तो ये कैंसिल हो गया, तो इट इज 2q बाय 3, वेरी सिंपल। दूसरी बॉडी का चार्ज फिर से टोटल चार्ज 2q इंटू जिसका आप लिख रहे हो चार्ज q2, इसके ऊपर चार्ज हमने माना है। तो फिर हमने उसी की रेडियस लिखनी होती है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे टोटल लिखना होता है दोनों का सम। तो इट इज 4q बाय 3। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको कि पहले हमने q1 q2 फाइंड कर लेना है। तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट बॉडी है उस पर पहले चार्ज कितना था, अगर हम बॉडी ए को देखें तो बॉडी ए पे पहले चार्ज था कैपिटल क्यू, और अब चार्ज है, इनिशियल चार्ज इतना था, फाइनल है 2q बाय 3। तो 2q बाय 3 क्यू से छोटा है, तो उसमें से कितना चार्ज निकल गया, कितना फ्लो हो गया, द चार्ज फ्लोन, आपने बताना है कि कितना चार्ज फ्लो करके दूसरी की तरफ चला गया वो कितना है। तो हम क्या करेंगे, जितना इनिशियल था माइनस जो उस पर अभी रह गया, है ना, तो इतना चार्ज फ्लो कर गया उसको क्यू डैश लिख लेते हैं। तो दिस इज Q by 3। हाँ जी, तो दिस इज Q by 3। तो Q by 3 जो चार्ज है वो इस बॉडी से फ्लो करके उसके पास चला गया, उसके ऊपर पहले Q था और Q by 3 चला गया। चलिए तो सेकेंड बॉडी देखो, अभी सेकेंड बॉडी पे पहले चार्ज Q था और उसको Q by 3 मिल गया, और तो कितना आ गया फिर 4q बाय 3। तो वो आंसर हमने पहले भी निकाल लिया है कि सेकेंड बॉडी पे जो फाइनल चार्ज है वो 4q बाय 3 है, और पहली बॉडी पर जो फाइनल चार्ज है फर्स्ट बॉडी पर
बॉडी ए पर, दैट इज 2q/3। तो इस तरह से ये चार्जेस की ट्रांसफर वाली जो प्रॉब्लम है आ सकती है, और ये जेई में और नीट में काफी बार पूछी जाती है इस तरह की प्रॉब्लम। हाँ जी, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड करना है, ए चार्ज कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो एक छोटा है स्मॉल आर का, और दूसरी जो कॉन्सेंट्रिक शेल है वो बड़ी है, उसकी रेडियस कैपिटल आर है बच्चों, ठीक है जी। टोटल चार्ज कह रहा हमने क्यू दिया दोनों को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, सच दैट देयर सिग्माज आर इक्वल, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू। तो इसका हम सिग्मा वन मान लेते हैं, इसका सिग्मा टू मान लेते हैं। सिग्मा वन का फॉर्मूला आएगा जितना हमने टोटल चार्ज दिया है उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बच्चे हमारे पास बड़े वाली शेल पर, और कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है छोटे वाली शेल पर। बट ये चीज क्लियर है कि उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं वो इक्वल है। तो अगर हम यहां पर लिख रहे हैं लेट क्यू वन कॉमा क्यू टू आर चार्जेस ऑन स्मॉलर एंड बिगर शेल्स रिस्पेक्टिवली, इस तरह से हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल। तो मींस क्यू वन अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पहली बॉडी छोटी वाली बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी, इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। फोर पाई से फोर पाई कैंसल, तो क्यू वन बाय क्यू टू की रेशियो स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये एक रिलेशन हमारे पास आ गई, ठीक है बच्चों, रिलेशन नंबर वन। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर, हमें इनके कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले हम चार्जेस निकाल लेंगे, फाइनल चार्जेस कितने हैं, तो चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे बाय चार्ज कंजर्वेशन, ये हमेशा लगेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। क्या होना चाहिए कि भाई जो फाइनल चार्ज हमने बोला है दोनों बॉडीज पर क्यू वन प्लस क्यू टू, वो एक्चुअली कहां से आया है, वो कैपिटल क्यू से आया है हमारे पास। तो यहां से अगर हम Q1 लिख लें तो वो कैपिटल Q माइनस Q2 होगा। इसको हम यहां पर ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो Q1 की जगह हमने लिख दिया कैपिटल Q माइनस Q2 बाय Q2 इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो अभी हमने इस रिलेशन से बच्चे Q2 निकालना है, तो इसको लिखेंगे कैपिटल Q बाय Q2 माइनस 1, Q2 मैं दोनों के नीचे ले गया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से हम इसको लिख लेंगे बच्चों Q बाय Q2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस वन, यहां से आ जाएगा जी कैपिटल Q बाय Q2 इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास Q2 आ जाएगा बहुत आसानी से, कैपिटल Q आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो दिस इज द चार्ज ऑन द बिगर सफियर, और छोटे वाले पर सिमिलरली करके लिख देंगे, बहुत आसान है ऐसे ही, वो बनेगा कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों चार्जेस आ गए। अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है एट देयर कॉमन सेंटर, तो पहले हम फर्स्ट बॉडी का पोटेंशियल लिख लेते हैं, वो है के Q1, यहां पर बताना है इनसाइड ना, तो जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा, तो K Q1 by small r, this is the potential due to first body, उसको हम लिख लेंगे K capital Q small r square upon r, और ये पूरा एक्सप्रेशन मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये Q1 ना मैंने सारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और एक r से एक r कैंसिल, तो दिस इज V1। सिमिलरली अगर आप V2 लिखना चाहते हैं तो बनेगा K कैपिटल क्यू, यहां बच्चे आ जाएगा हमारे पास अभी कैपिटल आर, नीचे भी क्योंकि कैपिटल आर था वो कट गया, तो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये दोनों पोटेंशियल्स हैं, दोनों सरफेस के हैं, जो सरफेस पे होंगे बच्चे पोटेंशियल वही उसके अंदर होंगे, इन दोनों का सम जो है दैट इज द फाइनल आंसर। तो इन दोनों को हम एड कर देते हैं, तो क्या कॉमन क्या आएगा यहां लिख लेते हैं, मैं कलर चेंज कर दू, देखिए तो फाइनल आंसर आ गया वी इज इक्वल टू दोनों का सम, के कैपिटल क्यू कॉमन, नीचे वाला डिनोमिनेटर भी कॉमन, हमारे पास ब्रैकेट में रह गया जी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर।
तो दिस इज द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। तो इस तरह से प्रॉब्लम में आपने प्रोसीड करना है। मैंने एक प्रॉब्लम करवाई है जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल की कंडीशन दी गई है, फाइनल चार्जेस निकालने सिखाए हैं आपको, तो उसमें चार्ज कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लगाना आना चाहिए। और उसके पास सेम ही है स्टेप्स सारे, ये स्टेप्स डिफरेंट नहीं है। जस्ट क्यू वन निकालो, उसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करो रिलेशन में, रेशियो वाली रिलेशन में, वहां से आप फाइनल चार्जेस निकाल लो। सिमिलरली चार्ज कंजर्वेशन तब भी लगता है व्हेन देयर पोटेंशियल्स आर इक्वल। पोटेंशियल तब इक्वल होते हैं जब हम दो बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। अब सेम प्रॉब्लम में बच्चे वो ये भी बोल सकता था कि हमने एक कनेक्टिंग वायर ली, कनेक्टिंग वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तब आपने पोटेंशियल इक्वल की कंडीशन लगानी है। जब उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि सर्फेस चार्ज डेंसिटी उनकी बराबर है, तब आपने सर्फेस चार्ज डेंसिटी को इक्वल कर देना है। तो इस तरह की रिलेशन आती रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एट देयर सरफेसेस, तो बात वही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी तो मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी भी उन दोनों की बराबर होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करता हूं। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स जेईई मेंस में, नीट में ज्यादा आएंगी, सीबीएसई में ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये स्टेट बोर्ड में सीबीएसई में पूछा जाता है, उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वन मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन सिर्फ कंपटीशन में पूछे जाते हैं।